दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में आप ऐसी चीज सुनने वाले हो जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि वाई वेस्टेज, वेस्टेज करना क्यों जरूरी है और वेस्टेज के माध्यम से लोगों ने 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या क्या अचीव किया है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और वेस्टेज से लोग क्या क्या अचीव कर रहे हैं इसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे से पहले मेरे खानदान में कभी कोई स्कूल नहीं गया। बचपन से गरीबी देखी थी। दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनी में लोअर क्लास कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। वेस्टीज बिजनेस को जब मैंने देखा था, उससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री का, वो मेरा शायद वो स्ट्रगल पीरियड था जिससे मैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत जान सका था। बट वेस्टीज में 2012 में जब मैं आया, मैंने सिद्धार्थ सिंह जी को इतनी बड़ी कामयाबी पर देखा तो मैं उनसे मोटिवेट नहीं हुआ। मोटिवेट में अपने घर की परिस्थितियों से हुआ। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरा जो जीवन इतना दुखपूर्ण बीत रहा था, उस समय मैं LIC और प्राइवेट जॉब किया करता था। दोनों में भरपूर मेहनत करके भी दान रोटी से ऊपर का कभी सोच नहीं सकते थे। इससे बड़ा कोई सपना था ही नहीं। सपना पहली बार वेस्टीज में आके बना इन कामयाब लोगों को देख करके। जी दोस्तों, ये बात तो सच है कि अगर आप मेहनत करते हो, चीज़ों को सीखते हो, अपनी टीम को बढ़ाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, डेमोन्स्ट्रेशन लेते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो वेस्टेज में आप जरूर कामयाब होंगे। और यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया है कि उन्होंने जब 2012 में ज्वाइन किया था, उसके पहले उनको एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का। वहाँ पर उन्होंने 6 साल दे दिए थे, उसके बावजूद भी उनको कोई काफ़ी बड़ी जो सक्सेस है वो नहीं मिली थी। फिर उन्होंने वेस्टेज को ज्वाइन किया, जहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनको समझा, प्लान समझा, लोगों को समझाया, तो उसके बाद उनको सक्सेस मिली और उन्होंने वो अचीव किया जो आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने सिद्धार्थ सर जी को देखा था जो लगभग लगभग 20 लाख 30 लाख रुपए उस समय कमा रहे थे, तो वो उनसे मोटिवेट नहीं हुए। उनका जो मोटिवेशन था वो था अपनी गरीबी, मतलब कि जिस परिस्थिति में वो थे वो वहां से उभरना चाह रहे थे, निकलना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने वेस्टेज को ज्वाइन किया। पहली कामयाबी की सीढ़ी होती है अपनी इच्छा को सपने में बदल पाना। वो संतोष यादव ने यहाँ बैठ कर बदला। आज सभी नए साथी, क्या अपने लिए कामयाबी का सपना देख सकते हैं? तो बस आज आपको क्या करना है, वेस्टेज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ी कामयाबी के लिए हमें चाहिए क्या? एक बड़ी कंपनी, एक सिक्योर कंपनी जो बैकअप में हमारे खड़ी हो। और वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म, वेस्टीज से बढ़िया मैनेजमेंट कहीं और हो नहीं सकता। नंबर टू, वेस्टीज में बड़ी कामयाबी के लिए एक शानदार एथिकल LOS का होना, लीडरशिप स्पॉन्सरशिप का होना बहुत जरूरी है। वो हमें सौभाग्य से मिला। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई, वो होती है 90% जो आपको कामयाबी देती है वो आपका सेल्फ बिलीव और सीखने की इच्छा शक्ति। वेस्टीज में मैं आया था, मैं हेल्थ सप्लीमेंट नहीं जानता था। ट्रेनिंगों के बाद वक्त से हब सप्लीमेंट के बारे में सीखा, क्योंकि यही लोगों को बताना था। वेस्टीज का टायर पंप, हाउस पंप, ट्रबल पंप मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है अगर ये मुझे नहीं पता होता तो ये कामयाबी नहीं मिलती। माय डियर फ्रेंड, किसी भी कामयाबी को बड़ी कामयाबी में बदलने के लिए आपके पास अपने काम की भरपूर योग्यता होनी चाहिए। हायर वाओ, सर ने क्या जानकारी दी है कि अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले तो आप देखिए कि उस कंपनी का सिस्टम कैसा है। दूसरी बात देखिए कि क्या वो कंपनी अपने आप में ग्रो कर रही है। देखिए, अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज 2002 से लेकर 2024 तक, ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और यहाँ पर जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो एकदम लाजवाब है और उसी के माध्यम से लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यह चीज़ आपको देखनी है, सिस्टम कैसा चल रहा है, यहाँ पर टीम कितनी बड़ी है। ठीक है, टीम बड़ी है मतलब यहाँ पर कितने लोग उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ का अगर नॉलेज आपके पास है, ठीक है, तो आप इजीली वेस्टेज में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को जाकर प्लान बताओगे, तो वहाँ पर लोगों का सवाल होगा कि कौन सी कंपनी है,
देखिए अगर आप ऐसी एरी गेरी कंपनी के बारे में बताओगे तो लोगों को जानकारी नहीं होती, पर अधिकतर लोगों को पता है कि वेस्टिज कोई कंपनी है, पर उनको संपूर्ण जानकारी नहीं है, इसी वजह से वो काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपका कार्य है उनको संपूर्ण जानकारी वेस्टिज के बारे में देना। एक आदमी अच्छे कॉलेज का चुनाव करता है, अच्छे स्कूल का चुनाव करता है, शादी करते वक्त गुणवान पत्नी ढूंढने की कोशिश करता है। हेलो, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करता है, एक इंसान डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छा कोचिंग सेंटर अच्छी पढ़ाई ढूंढता है। हाँ ना? और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छा करियर बनाने के लिए एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे एथिकल एलओएस और शानदार ट्रेनिंग सिस्टम का होना जरूरी है जो वेस्टीज के पास है। अगर आपने अपना करियर वेस्टीज को चुना और अपने 5 साल का कमिटमेंट आज यहां बैठकर कर लिया तो माय डियर फ्रेंड याद रखना, यह बिजनेस आप अकेले की कामयाबी का नहीं है, आपकी वजह से आने वाली पीढ़ियां आपकी कामयाबी का राज भोगेगी और आपकी वजह से जीते जी देश में जाने कितने लोग कामयाब होंगे। इसलिए ईमानदारी से जमीन पे रहकर डेली काम करना, जैसे दुनिया का हर प्रोफेशनल काम करता है। जी दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेस्टीज अब ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, विख्यात है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो होता क्या है कि वहाँ पर ट्रेनिंग भी आपको अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट तो वैसे ही है, प्लेटफॉर्म अच्छा है। ठीक, अब 2019 में जब कोविड आया था तो बहुत सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, प्लेटफॉर्म था नहीं कि घर बैठे प्रोडक्ट पहुँचा दे, पर वेस्टीज के पास वो सिस्टम ऑलरेडी था, इसी वजह से वेस्टीज सक्सेसफुल हो पाई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ की ज़रूरत है वो है विज़न, आप कितना आगे लोगों के लिए सोच पा रहे हो। और वेस्टीज में जो गौतम बाली सर हैं उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है। ठीक है, आपको बता दें कि 2019 में जब कोरोना था तो लोग अपने जो टारगेट है वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद भी वेस्टीज कंपनी ने उनको पैसा दिया। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हम आपके साथ हैं, वेदर यू आर इन बैड टाइम और गुड टाइम, अच्छे समय में भी हम आपके साथ हैं, बुरे समय में हम आपके साथ हैं। तो बस यही चीज़ आगे उस कंपनी को फ्यूचरिस्टिक बनाती है और लोगों की सोच में वो कंपनी आगे बढ़ती है। चैलेंज एक ही आता है, हमारे भूखे नंगे पड़ोसी गरीब साथी हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, हमारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में से आप निकलने का कोशिश कर रहे हो। सपना आपने देखा है तो सीखना तो तैयार है। और मेरे दोस्तों, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो किया, पहला चेक 19 रुपए का था, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख होते हुए मेरा हाईएस्ट पेचेक एक महीने का 18 लाख रुपए पहुंचा। न कि केवल मैं कामयाब हुआ एक छोटी सी मोटरसाइकिल से, आज लग्जरी कारें हैं मेरे पास, ऑडी, होंडा सिटी, सेवरलेट, दो दो होंडा सिटी, 10 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स है। और आज 10 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स हो पाई तो वेस्टीज के 5-7 सिस्टम की वजह से हो पाई। चलो, हम किसी के घर में जाते हैं और बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, ये बोल पाओगे तो केवल वेस्टीज के दम पर बोल पाओगे। वाओ, व्हाट ए एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सर ने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है कि कैसे उनको कामयाबी मिली। देखिए, उनको कामयाबी मिली तो उनको लगभग 12 साल हो गए हैं वेस्टीज में। ठीक है, तो 12 साल तक उन्होंने वेस्टीज में सीखा है, लोगों को सिखाया है, टीम बनाई है, तो ये प्रोसेस चलता आ रहा है और उसी की वजह से आज वो कामयाब है। कामयाबी का मतलब क्या है भाई? सुकून की रोटी हो, समय हो, टाइम हो, अच्छी हेल्थ हो, बस यही तो कामयाबी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, बट दे आर नॉट हैप्पी, वे खुशी नहीं है। तो ऐसी कामयाबी का मतलब क्या? तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप जाओ तो आपको सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आपके टीम में आपके जो लीडर हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही कंपनी आपको लखपति, करोड़पति और जो भी बनना चाहो बना सकती है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आप सीख पा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी कुछ ऐसा ही बोलती है। चलते चलते एक चीज याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग को यूट्यूब पर मत सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग को यूट्यूब पर सुनना तो कामयाब लोगों को सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी खेती है, अगर आप उसमें जो सुनना चाहोगे वही आपको सुनाई देगा। झोला छाप डॉक्टर वो नेटवर्कर होते हैं जो आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, उनका कोई टीम नहीं है, कोई करियर नहीं है, वो लोगों को भटकाने का काम करते हैं। लेकिन वेस्टीज का आदमी जीवन प्रेम प्रेम लगे संतोष यादव है कि
याद रखिए 2 जून को सबसे बड़ी कामयाबी आपके साथ होने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स वेट फॉर 2 जून। 2 जून को कुछ खास होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको बताएं कि वाई वेस्टिज, वेस्टिज क्यों ज़रूरी है और आने वाले समय में वेस्टिज कहाँ कहाँ पर पहुँचने वाला है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करें।